इतना सुंदर और कलरफुल आइटम है। सीधा हो जा भाई, प्लीज़ है फ्रेंड्स। ओह सॉरी। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। सो आई एम बैक विद अ न्यू हॉल वीडियो, और आज की हॉल वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सारे डेकोर आइटम जो मैंने परचेज़ किए हैं मीशो से। तो फ्रेंड्स, मीशो पे शुरू होने वाली है महा सेविंग सेल 15 और 16 सितंबर को, तो उसमें आप कोई भी आइटम जो है बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में परचेस कर सकते हैं। मैंने आज की वीडियो में आपके साथ सारा डेकोर आइटम शेयर किया है, ये सारे ही पीसेस अंडर 500 की रेंज में हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि सभी बॉक्सेस की अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ मैं आपके सामने। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो चलिए फटाफट से करते हैं हम आज का वीडियो शुरू। तो चलिए दोस्तों, ओपन करते हैं आज का फर्स्ट पार्सल। तो फर्स्ट पार्सल मुझे ये रिसीव हुआ है, इसमें कोई भी प्राइस वगैरह नहीं लिखा है। तो चलिए सबसे पहले खोल के देखते हैं कि इसमें मुझे क्या मिला है। काफ़ी भारी भारी सा ये आइटम लग रहा है, क्या हो सकता है इसमें। बड़ा अच्छे से इन्होंने पैक करके दिया है। अच्छा, अनबॉक्स होने के बाद मैं ज़रूर बताऊंगी कि इसे मैंने कितने में परचेस किया है, पहले मैं देख लूँ कि मुझे मिला क्या है। आहा, कितना सुंदर और कलरफुल आइटम है। मैंने मंगाई थी एक वॉल हैंगिंग जिसमें काफ़ी सारी बर्ड्स बनी हुई थी, और बड़ा अच्छे से इन्होंने पैक करके दिया है। और अगेन इसमें एक और पन्नी लगी हुई है। तो मैंने मंगाई थी वॉल हैंगिंग जिसमें काफ़ी सारी बर्ड्स बनी हुई थी, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 पीस मुझे रिसीव हुआ है, और सभी में जो है वो बर्ड बनी हुई है। कितना ब्यूटीफुल जो है इन्होंने कलर वगैरह किया है, और अंदर जो है डिज़ाइन भी कितनी सुंदर बनी है। तो इस तरीके से ये वॉल हैंगिंग है, मैं आपको पूरा खोल के दिखाती हूँ। ये आएगा, सीधा हो जा भाई। तो ये है फर्स्ट पीस। इसी तरीके से जो है वो सारी बर्ड्स मुझे मिली है, और हर एक बर्ड जो है वो डिफरेंट कलर की है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा पीस है, और इसकी जो क्वालिटी है ये लकड़ी की तरह लग रहा है मुझे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सी बर्ड बनी हुई है, और अंदर बर्ड में भी बहुत ही प्यारा सा जो है पैटर्न बनाया है, और नीचे की तरफ ये पूरा पॉम्पम लगा है, और लास्ट में आती है ये बेल जिसमें आवाज़ भी आती है, और ऊपर हैंग करने के लिए इन्होंने डोरी दी है। डोरी हालांकि छोटी छोटी है, क्योंकि ये वॉल हैंगिंग थोड़ी डिफरेंट स्टाइल की है, तो आप इसे डोर के साइड्स में लगा सकते हैं, वॉल पे भी लगा सकते हैं। जैसे तीन एक साइड पे लगा दिया, तीन एक साइड पे लगा दिया, बहुत ही ब्यूटीफुल सा पीस है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी वॉल हैंगिंग है, 6 का सेट है, और कलरफुल है, बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स बने हुए। हालांकि थोड़ी सी कलर की स्मेल आ रही है, लेकिन मुझे इसे खाना तो है नहीं, वॉल पे टांगना है, तो मैं डेफ़िनेटली इसे रखने वाली हूँ। और मैं आपको भी बोलूँगी कि ज़रूर इसे परचेज़ कर सकते हैं। और इसे मैंने परचेज़ किया है 282 रुपीज़ में, तो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में मुझे ये मिला है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा पीस है गाइस, मस्ट बाई है, इसे ज़रूर 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 परचेज़ करिएगा। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्सल, चलिए इसे भी ओपन करके देखते हैं कि इसमें मुझे क्या मिला है। अच्छा, तो ये बहुत ही प्यारी सी वॉल हैंगिंग है। तो ये बहुत ही प्यारी सी वॉल हैंगिंग मैंने मंगाई थी, तो इसे भी मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। बड़े अच्छे से पैकिंग करके दिए इन्होंने, तो ये मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी, क्योंकि इसमें पूरी फैमिली की फ़ोटो बनी हुई है, और मुझे ये बहुत दिन से चाहिए था, लेकिन मैं चाह रही थी कि इसका प्राइस थोड़ा सा कम हो जाए, तो फाइनली मैंने इसे परचेस कर लिया। वाओ, बहुत ही ज़्यादा सुंदर वॉल हैंगिंग है। तो ये है वो पीस, तो इसमें जो है पूरी फैमिली बनी हुई है, मम्मी पापा और दो बच्चे, जो कि सेम मेरी फैमिली के भी मेंबर्स हैं। तो ये मुझे बहुत ही प्यारा पीस लगा, हालांकि मुझे एक ड्रॉबैक इसमें लगा कि इन्होंने जो ये डोरी दी है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी प्रोवाइड की है, तो डोरी मुझे लगता है कि थोड़ी सी मुझे बड़ी करनी होगी वॉल पे टांगने के लिए।
तो इसे आप अपने वॉल पे टांग सकते हैं, घर के अंदर भी, घर के बाहर भी आप इसे टांग सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ है वेलकम टू आवर होम, तो गेट के बाहर भी आप इसे टांग सकते हैं। बहुत ही प्यारा है, वुड की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, और अंदर जो ये पूरा बना हुआ है, पेंट किया हुआ है, तो मुझे पीस काफ़ी प्यारा लगा। अब मैं बताती हूँ आपको इसका प्राइस। इसे मैंने परचेज़ किया है 156 रुपीज़ में, जो अगेन मुझे वर्थ इट लग रहा है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा पैटर्न बना हुआ है, हालांकि डोरी काफ़ी छोटी है, तो थोड़ा सा रूम के अंदर टांगने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं देखूंगी कि इसका क्या करना है, लेकिन मैं इसे रिटर्न तो नहीं करूंगी, क्योंकि वुड की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। बैक मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके से पूरी बैक आएगी, और आगे जो है ये लुक है, तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा है फ्रेंड्स। इसे भी मैं रिकमेंड करूंगी कि आप चाहें तो इसे परचेस कर सकते हैं। चलिए ओपन करते हैं हम अपना थर्ड पार्सल, और इसमें भी कोई प्राइस वगैरह मुझे नहीं लिखा हुआ मिला है, तो चलिए खोल के देखते हैं कि इसमें क्या है। बड़ा इजीली खुल जा रहा है ये सब। तो इसमें मैंने मंगवाई थी 3 पेंगुइन का सेट, ये भी वॉल पे ही स्टिक होने वाला है, तो मुझे ना पिक्चर में बहुत ही ब्यूटीफुल सी ये पेंगुइन लग रही थी, 3 का सेट था ये, तो इस तरीके से ये मुझे 3 पेंगुइन मिली है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी 3 पेंगुइन मुझे मिली है, ये 3 का सेट है, तो इस तरीके से ये पैटर्न बना हुआ है। इसमें ये वॉल पे लगने के बाद ही आपको इसका प्रॉपर लुक समझ में आएगा। तो 3 का सेट है, बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे, ब्लैक कलर का है ये, और पीछे जो है स्टिक करने के लिए डबल साइडेड इस तरीके का टेप दिया हुआ है। तो क्वालिटी थोड़ी सी हल्की है, लेकिन मुझे अच्छा लगा, वॉल पे लगने के बाद बहुत प्यारा लगने वाला है, तो प्रॉपर लुक भी आपको वॉल पे लगने के बाद ही समझ में आएगा, ऐसे तो ये पूरा आर पार दिख रहा है। तो इसे भी मैं रिकमेंड करूंगी कि आप परचेस कर सकते हैं। इसका प्राइस में भी आपको बता देती हूँ, मुझे 145 रुपीज़ में 3 का सेट मिला है, तो काफ़ी प्यारा लग रहा है, आप चाहें तो इसे परचेस कर सकते हैं। और सेल में दोस्तों ये हो सकता है और भी ज़्यादा कम रेट में ये सारी चीज़ें आपको मिले, तो चेकआउट ज़रूर करिएगा। अगेन मैं कहूँगी कि वर्थ इट पीस है, चाहें तो आप इसे ज़रूर परचेस कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट आइटम की अनबॉक्सिंग, और इसमें देखते हैं कि मुझे क्या मिला है। ये भी कोई वुड का ही आइटम है। तो ये पीस मैंने मंगाए है अगेन वॉल पे टांगने के लिए, ये राउंड वॉल बोर्ड है, तो ये 3 का सेट था। इस तरीके से मुझे सारे पीसेस मिले, अभी मैं आपको पूरा जो है असेंबल करके दिखाऊंगी। तो इस तरीके से ये लग जा, ये इसे हमें इसे असेंबल करना है, ये यहाँ पे पूरा स्टैंड बन जाएगा, तो आप इसमें कुछ हल्का फुल्का सामान रख के इसे इस तरीके से वॉल पे स्टिक कर सकते हैं। सॉरी, इसे स्टिक नहीं करना है, ये दो साइड पे जो है वो पेच कसने के लिए यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड किया, हालांकि पेच वगैरह मुझे साथ में नहीं मिला है, तो आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो ये 3 का सेट है, इसी तरीके से जो है बाकी सेट को भी असेंबल करना है, और 3 को आप किसी तरीके से जैसे भी आप लगाना चाहें, दो साइड में, एक ऊपर की तरफ या फिर तीनों एक लेयर में। तो ये पीस भी मुझे काफ़ी प्यारा लगा, और ये बोर्ड मटेरियल है, और इसमें आप कोई भारी सामान नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा हल्की क्वालिटी का है, तो हल्का फुल्का छोटा सा सो पीस वगैरह आप लगा के यहाँ पे सजा सकते हैं। तो अच्छे से आपको पहले इसको अंदर की तरफ फिट करना होगा, तभी आप इसमें ऊपर की तरफ कोई सामान रखिएगा। देखने में तो बड़ा प्यारा लग रहा है, लेकिन मुझे आगे का स्टैंड ना बड़ा डेंजरस लग रहा है, क्योंकि मैंने इसमें अगर कोई भी एंटीक वाली सो पीस रखी और वो गिर गई तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो आपको इसको अच्छे से अंदर की तरफ पुश करना है, ताकि स्टैंड जो है वो बढ़िया से फिट हो जाए। हाँ, अब ये पूरी तरीके से फिट हो गया है, क्योंकि ये बाहर की तरफ भी थोड़ा सा निकल गया है। तो इसे आप परचेस कर सकते हैं, काफ़ी प्यारा पीस लगा, यूनिक स्टाइल का था। अच्छा, इसमें जो है ट्रायंगल शेप में भी थे, और 4 का भी सेट था, तो मैंने ये 3 का सेट मंगाया है। पूरा असेंबल करके मैं साइड में वीडियो शेयर कर दूँगी, तो आप चाहें तो इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। इसे मैंने परचेस किया है 204 रुपीज़ में, और अभी रिसेंटली मैंने इसे चेक किया है, तो इसका प्राइस जो है वो और भी ज़्यादा कम हो गया, ये 192 रुपीज़ में 3 का सेट मिल रहा है। तो अगेन वर्थ इट है फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसे परचेस कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पार्सल अपना ओपन करते हैं, और इसमें क्या आया है। बड़ा हल्का सा ये पार्सल लग रहा है मुझे।
इस आइटम का मुझे काफ़ी दिन से इंतज़ार था और मैंने काफ़ी दिनों से इसे विश लिस्ट पे भी रखा था, क्योंकि मैं दिवाली वगैरह में कुछ इस तरीके का परचेस करना चाहती थी, लेकिन मुझे जो है दिवाली के टाइम ही से परचेस करना था, लेकिन ये मुझे बड़ा सस्ता मिल गया तो मैंने अभी इसे परचेस कर लिया। तो ये बहुत ही प्यारा सा जो है एक पेयर मिला है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा पीस है फ्रेंड्स। आप इसे वॉल पे टांगिए, क्योंकि इसमें शुभ लाभ लिखा हुआ है, तो दिवाली वगैरह के लिए, ओहो सीधा हो जा भाई, तो दिवाली में इस तरीके की चीज़ें जो हैं हम परचेस करते हैं। मैंने अभी ही परचेस कर ली क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छी रेट में ये मिल गया था। तो बहुत ही प्यारा सा नीचे लोटस बना है और ऊपर जो है ये गोटे का वर्क है, मोती भी लगाए हुए हैं और शुभ लाभ लिखा हुआ है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। वॉल पे टांगिए या फिर आप अपने डोर के दोनों साइड पे टांगिए, बहुत ही ब्यूटीफुल सा पीस है। तो इसे मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी फ्रेंड्स कि इसे आप ज़रूर परचेस कर सकते हैं। इसे मैंने 280 रुपीज़ में परचेस किया है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है लेकिन क्वालिटी बड़ी प्यारी लग रही है, क्योंकि मार्केट में हम लेने जाएंगे तो ऑलमोस्ट हमको इसी रेट का ही मिलेगा, और फेस्टिव सीज़न में अगर जाएंगे तो और ज़्यादा महंगा मिलता है ये सब आइटम। तो मैंने इसे परचेस किया और ये जो क्वालिटी आप नीचे लोटस की देख रहे हैं, ये वुड वाली है या बोर्ड है या वुड है कुछ तो ऐसा है, तो ये बड़ा सॉलिड मटेरियल है और नीचे बहुत ही प्यारा सा जो है वो मोती वर्क किया हुआ है, तो ये मुझे बहुत ही क्यूट लगा। तो इसे मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप इसे ज़रूर परचेस कर सकते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट पार्सल और मैं थोड़ा थोड़ा गेस कर पा रही हूँ कि इसमें क्या हो सकता है, तो इसमें वही है। तो ये मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या परचेस किया है। ये भी अगेन एक वॉल हैंगिंग है और ये हैंडवर्क वाली है, तो इसे आपने काफ़ी सारे वीडियोस में भी देखा होगा, पर मैंने इसे अब जाके परचेस किया। ये थैंक यू का लेटर इन्होंने भेजा है, तो ये बहुत ही प्यारी सी वॉल हैंगिंग है, थोड़ी सी जो है सिकुड़ गई है, तो मैं इसे प्रेस से सीधा कर लूँगी, इस तरीके का आएगा ये। ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। इसमें दो तीन कलर्स अवेलेबल थे लेकिन मैंने ये वाला पिक किया और ये मुझे काफ़ी रीज़नेबल रेट में मिला है। तो ये पूरा जूट का अंदर की तरफ है और ऊपर जो है ये बड़े मोटे मोटे धागे से इन्होंने सारा ये हैंडवर्क किया है, तो काफ़ी प्यारा लग रहा है। बैक से मैं आपको दिखा देती हूँ, बैक का लुक इस तरीके का आएगा और ऊपर जो है हैंग करने के लिए ये डोरी मिली है, तो ये भी मुझे काफ़ी प्यारा लगा। ये वॉल हैंगिंग मुझे 281 रुपीज़ में मिला है, तो अगेन मुझे वर्थ इट पीस लगा, क्योंकि ये पूरा हैंडमेड है तो थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है और ये सेल में और भी ज़्यादा रीज़नेबल रेट में आपको हो सकता है मिल जाए, तो इसे आप ज़रूर डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं। इसमें एक ब्लू कलर का पैटर्न भी था, वो भी बहुत ही प्यारा लग रहा था, लेकिन मैंने ये पिंक वाला येलो वाला शेड जो है वो परचेस किया, मुझे काफ़ी प्यारा लगा, तो मैं इसे रिकमेंड करूँगी कि आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ज़रूर रिकमेंड करूँगी फ्रेंड्स कि इसे आप ज़रूर परचेस करिएगा। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट आइटम की तरफ और ये काफ़ी ज़्यादा हैवी आइटम है और इसे भी मैंने गेस कर लिया है कि इसमें क्या होने वाला है, तो मैं आपको बता ही देती हूँ कि इसमें क्या होने वाला है। इसमें मैंने मंगाया था एक वुड का स्टैंड जिसमें आप फ्लावर वगैरह भी रख सकते हैं या फिर शो पीस वगैरह भी रख सकते हैं, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा हैवी मिला था तो मैंने गेस कर लिया था कि ये वही आइटम होगा, इसलिए मैं इसकी अनबॉक्सिंग बिल्कुल लास्ट में करना चाहती थी, लेकिन लास्ट में मैं नहीं कर रही हूँ, अभी भी दो आइटम जो है वो रिमेनिंग है, तो इसे चलिए फटाफट से खोल देते हैं। काफ़ी ज़्यादा इसमें मोटे मोटे स्टेपलर्स जो है लगाए हुए हैं, थोड़ा सावधानी से मुझे इसे खोलना होगा। अरे यार, तो मैं इसे पूरा खोलने वाली नहीं हूँ, आधे में ही सोच रही हूँ कि मैं इसे निकालने की कोशिश करूँ पर ये नहीं निकल रहा है, तो मुझे इसे पूरा ही फाड़ना पड़ेगा। अब तो निकल जा। तो ये रहा वो स्टैंड, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बोर्ड की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, तो इस तरीके से ये कुछ खुलता है, ये तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट रिसीव हुआ है। ये तीन तरीके से जो है लेयर बनी है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, वुड का बना हुआ है फ्रेंड्स, वुड कह सकते हैं या बोर्ड कह सकते हैं आई डोंट नो,
बट क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा है। और इस पे आप मिट्टी वाले फ्लावर पॉट, जो ओरिजिनल वाले फ्लावर पॉट होते हैं, वो रख सकते हैं, या फिर शो पीस के तौर पे आप इसे कॉर्नर में लगा के उसके ऊपर जो भी आप शो पीस वगैरह रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। नीचे जो बेस है वो बिल्कुल प्लेन है, तो फ्लोर पे अच्छे से बैठ जाएगा ये। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी प्यारी लगी गाइज, इसे आप मस्ट एक बार चेकआउट कर सकते हैं। और इसका प्राइस मैं आपको बता देती हूँ, ये स्टैंड मुझे रिसीव हुआ है 369 रुपीज़ में, और अभी रिसेंटली इसका प्राइस जो है वो 360 के आसपास चल रहा है। तो यार 360 रुपये में लकड़ी का सामान मिल रहा है और काफ़ी सॉलिड मटेरियल है, तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। मुझे तो ये बहुत ही अच्छा पीस लगा है, साइड में भी आप इसे शो पीस के तौर पे रख देंगे तो काफ़ी सुंदर लगेगा। तो इसे भी मैं कहूँगी कि ज़रूर एक बार चेकआउट करिएगा फ्रेंड्स, मटेरियल काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है और क्वालिटी वाइज भी बहुत ही अच्छा है, और बहुत सही कंडीशन में मुझे मिला है, कहीं से भी टूटी वूटी नहीं है लकड़ियाँ, और पेच वगैरह भी फिट किया हुआ है अच्छे से। तो इसे आप ज़रूर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्सल अपना ओपन करते हैं, और इसमें मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या मिला है। ओह, तो इसमें मैंने मंगाए थे कुशन कवर्स, जिसके साथ के मैंने कुशन भी मंगवाए हैं फ्रेंड्स, उसे मैं सबसे लास्ट में दिखाने वाली थी क्योंकि वो काफ़ी भारी मटेरियल मुझे रिसीव हुआ था, तो मैं उसे लास्ट में अभी आपको दिखाऊंगी। उसके साथ के लिए मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल सा कुशन कवर मंगाए थे, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, खोल के देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। वाओ, जस्ट वाओ पीस। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा कुशन कवर मैंने मंगाया है, ये ग्रीन कलर का है, और ये बीच बीच में जो है वो मोती लगी हुई है, और ये मोती स्टिक नहीं की है, ये धागे से जो है इन्होंने बांधी हुई है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये कुशन कवर है, और क्वालिटी मस्ट बाय पीस है यार, क्वालिटी बहुत ही गजब है। तो ये 5 का सेट है, 1 2 3 4 5 पीस मुझे टोटल रिसीव हुए हैं, तो मुझे बहुत ही प्यारा मटेरियल लगा है ये। तो इस तरीके का आएगा कुशन का कवर, तो काफ़ी बड़ा कवर मैंने मंगाया था, पीछे ये ज़िप वाला पैटर्न है, ज़िप की क्वालिटी भी काफ़ी सही है, और अंदर जो है ये लुक आएगा, तो अंदर का लुक कुछ इस तरीके से आएगा। क्वालिटी गाइस बहुत ही अच्छी है, इसमें बहुत सारे कलर्स थे लेकिन मुझे ग्रीन कलर ज़्यादा प्यारा लग रहा था तो मैंने ग्रीन कलर मंगाया। तो आप इस कुशन कवर को ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा मुझे पीस रिसीव हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ इस कुशन कवर के साथ क्योंकि मुझे कुशन कवर की बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरत थी, और मैंने जो है बहुत ही परफेक्ट चीज़ मंगाई है। तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि एक बार ज़रूर इसे चेकआउट करिएगा। कलर्स भी इसमें काफ़ी सारे थे तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं, तो ये भी मस्ट बाय पीस है, और इसका प्राइस मैं आपको बता देती हूँ। तो ये कुशन कवर मैंने परचेस किया है 382 रुपीज़ में, तो काफ़ी वर्थ टू मनी पीस है, तो इसे भी मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप इसे एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, कलर्स काफ़ी सारे थे इसमें, तो ये भी मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है गाइज, इसे भी आप एक बार ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। तो आप कुशन कवर मंगा लिया, साथ में कुशन तो मंगाना बनता है, तो ये आ गया हमारा कुशन, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो मैंने सोचा था कि बिल्कुल लास्ट में अनबॉक्स करूँगी, और मैं समझ गई थी कि इसमें कुशन ही होने वाले हैं क्योंकि ये काफ़ी भारी था, भारी मैं क्या कह सकती हूँ, था तो हल्का लेकिन बड़ा काफ़ी था, तो उससे मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इसमें कुशन कवर ही होंगे, सारे मैं नहीं निकालने वाली हूँ। तो ये था 5 का सेट, तो एक पीस मैं निकाल के आपको दिखा देती हूँ। तो ये मैंने मंगाया है सारे कुशन, तो चलिए इसकी क्वालिटी चेक कर लेते हैं। तो कुशन की क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, और ऊपर जो वाइट कलर का कपड़ा लगा है ये भी काफ़ी अच्छा फैब्रिक इन्होंने यूज़ किया है, अंदर कॉटन जो है वो बहुत अच्छे से फिल है, और बहुत ही सॉफ्ट पिलो है। तो ये 5 का सेट मुझे मिला है 472 रुपीज़ में, तो अगेन मुझे वर्थ टू मनी पीस लगा है। तो इस कुशन सेट को भी मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप इसे ज़रूर एक बार चेकआउट करिएगा, हालांकि मुझे बहुत ही बेस्ट क्वालिटी तो नहीं लग रही है, लेकिन ये है कि प्राइस के हिसाब से काफ़ी सही पीस मिला है, क्योंकि अगेन जो है अंदर कॉटन वगैरह इन्होंने बहुत अच्छे से फिल किया है, और लाइट वेट है, बहुत ही प्यारा और कम्फर्टेबल मुझे कुशन लग रहा है, तो मेरे कुशन कवर के साथ ये बिल्कुल फिट हो जाएगा, क्योंकि कुशन कवर भी मैंने सेम इसी साइज़ का ही परचेस किया है, तो ये बिल्कुल आराम से जो है मेरे कुशन में ये कवर आ जाएगा।
तो इन दोनों सेट को मैं ज़रूर कहूँगी आपको कि आप इसे एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा, दोनों ही मुझे बहुत ही अच्छा रिसीव हुआ है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, ये रहा मेरा आज का होम डेकोर वीडियो। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इनमें से आपको कौन सा डेकोर आइटम सबसे ज़्यादा पसंद आया मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे आप कौन सी हॉल वीडियो देखना चाहते हैं उसे भी ज़रूर मेंशन करिएगा, तो मैं वो श्योर आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो अगर आपको ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, इसे शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आईडी मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट हॉल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।